किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलित हैं। वही किसान आपकी धान की फसल सरकारी क्रय केंद्र में न बेच पाने के कारण परेशान हो रहे हैं। कई कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद किसानों को क्रय केंद्र से टोकन भी मिल जाता है तो उन्हें बरदाना खुद लाने को कहा जाता है। गुलाब सिंह, आप किसान हैं? किसान आप क्या करने आए यहाँ पर केंद्र में? टोकन लेने आए। क्या कहा गया? कई रुकिए, कई जी। कब से आप परेशान हैं? मैं चार बार आ चुका हूँ। चार बार आ चुका हूँ तो बराबर टहला जा रहा है, बस कोई बोलता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं आप लोग? धान बेचना है साहब, 40 क्विंटल हमारे। अब डेली आते जाते ना कोई सुनता है, फिर क्या कर सकते हैं? हम तो किसान हैं, घर लौट जाएंगे वापस। जबकि क्षेत्रीय विपणन अधिकारी का दावा करते हैं कि उन्होंने अपने क्रय केंद्र पर 44 क्विंटल धान खरीद लिया है। विपणन अधिकारी की इन दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। औरैया की मंडी समिति में बना सरकारी धान क्रय केंद्र सवालों के घेरे में है। किसान कई कई बार कार्यालय आकर धान विक्रय के लिए आवेदन करता है लेकिन उन्हें टरका दिया जाता है। कई बार किसान चक्कर लगाकर थक चुके हैं लेकिन उनका धान अभी तक नहीं बिक पाया है। जबकि जिन किसानों का धान क्रय केंद्र पर बिका तो उसे बरदाना खुद लाने को कहा गया। मैं क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की पोस्ट पे हूँ औरैया। सर, आपके केंद्र में अभी तक कितना धान खरीदा गया? हमारे केंद्र पे 44,000 क्विंटल धान खरीद हो चुकी है। अच्छा, एक दिन में कितना धान खरीदा गया? 1100 से 1200 1300, 4 घंटे की क्षमता हमारी है। अब किसानों धान नहीं खरीदा जा रहा है, क्या कर रहा है? खरीदा जा रहा है, अभी भी खरीद, आज भी खरीद हो गई। जैसे कोई बताया जा रहा है कि आप आपके द्वारा जो किसान आ रहे हैं उधारे 2 फरवरी जनवरी टोकन दे रहे हैं, तो वो तो टोकन अब एक दिन में मैं सारे पूरे जनपद में लगभग 10,000 किसान पंजीकृत होगा, तो सारे 10,000 किसान अगर एक दिन में बेचना चाहेंगे मैं खरीद पाऊँगा क्या? तो क्या आप अभी बता रहे हैं? 35 सेंटरों पर खरीद हो रही है, 35-36 सेंटरों पर जनपद के सारे केंद्रों में खरीद हो रही है। अच्छा, कभी बता रहे आपका कोटा पूरा भी हो गया? कौन बता? एक दिन का कोटा है, एक दिन का कोटा पूरा होता है हमारा। अच्छा, आज कोटा पूरा हो गया? कल का हुआ है, बात तो चल रही, वो शाम तक होगा पूरा। अच्छा, मेरा नाम अभिषेक यादव, ग्राम प्रधान जैतापुर, ब्लॉक औरैया। क्या समस्या है आपकी? मैंने अपना धान तुलवाया था 20 नवंबर को और आज 14 तारीख हो गई है, मतलब 24 दिन हो गए हैं, हमारे धान का पेमेंट नहीं हुआ है, जबकि सरकार कह रही है कि 72 घंटे के अंदर किसान का भुगतान होना चाहिए। अच्छा, इन लोगों से मिला लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जो केंद्र के प्रभारी हैं ना तो वो फ़ोन उठाते हैं ना ऑफिस में मिलते हैं। अच्छा, यही हमारी समस्या है, इसी संबंध में हम आ जाए। अच्छा, कोई सुनता नहीं, सुन नहीं रहा है? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, कहीं नहीं। पहले तो साहब केंद्र वो धान के टोकन के चक्कर में घूमते रहे, जब टोकन मिला उसके बाद, टोकन हमारा 19 तारीख को था तो हमको 2 रातें यहाँ लेटना पड़ा सर्दी के सीज़न में, उसके बाद हमारा धान बिका। यहाँ सरकार ने बोरे भी नहीं दिए, अपने रुपये से बोरा खरीद के 22 रुपया का एक बोरा लेके बोरा दिया, 20 रुपया पल्लेदारी के नाम पर लिया गया। अच्छा, ये सब लूट हो गई है। पल्लेदार मतलब धान जो बेचा है पल्लेदारी के नाम पे यहाँ पर वसूली की है? हाँ, 20 रुपया क्विंटल लिया है। 20 रुपया क्विंटल लिया, किसने लिया? केंद्र प्रभारी ने, एक लड़का लगा रखा है, गोलू नाम है। अच्छा, उसी ने लिया है। अच्छा।